शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहाय रहम वाला है तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्ज़त के लिए हैं अस्सलाम वालेकुम अलैकमस्नर्स मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नुशीन वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे जहाँ होंगे खुश होंगे आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे सिलसिल शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ़ ये खौफनाक कहानी उमैर शेयर कर रहे हैं उमैर कहते हैं मैं मियाँ वाली का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा ड्राउनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ आज से दस साल पहले की बात है हम लोग मियाँ वाली से थोड़ा दूर एक गांव कस्बा सा था वहाँ पर रहते थे पहले पहले वहाँ पर बिल्कुल भी आबादी नहीं हुआ करती थी तो जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया वहाँ पर आबादी बढ़ने लग गई ऐसी जगहों पर भी घर बना दिए गए जहाँ पर पहले बिल्कुल वीराने होते थे उस इलाके में एक बहुत बड़ा कदीम और पुराना कब्रिस्तान होता था वो एक पुराना कब्रिस्तान था वहाँ पर बिल्कुल जगह ख़त्म हो चुकी थी इसलिए नया कब्रिस्तान एक और इलाके में बन गया था वो भी हम लोगों के उसी इलाके से थोड़ा दूर बनता था तो अब जितनी भी तदफीन हुआ करती थी उस नए कब्रिस्तान में होती थी पुराने कब्रिस्तान में सिर्फ वही लोग जाया करते थे जिनके लवाकिन वहाँ से पहले से दफन थे उस कब्रिस्तान में कुछ अजीबों गरीब वाक़ होने लगे, वो कब्रिस्तान हम लोगों के घर के करीब था पहले जिस जगह पर हम लोगों का घर था उसके बैक साइड पर बिल्कुल वहरने थे और दूर से वो कब्रिस्तान दिखाई देता था फिर जब घर बनना शुरू हो गए तो जिस घर में हम लोग रहते थे वो घर छोटा था वहाँ पर जब वो नए घर बने उनमें से तो जिस वक्त वहाँ पर आबादी बढ़ी नए घर बने तो हम लोगों ने वहाँ पर एक बड़ा घर ले लिया और उसमें हम लोग शिफ्ट हो गए उस घर से वो कब्रिस्तान बिल्कुल दिखाई देता था जब हम लोग अपने छत के ऊपर जाते थे तो हमें बैक साइड पर वो कब्रिस्तान नज़र आता था वो कब्रिस्तान बहुत ही ज़्यादा पुरसरार और पुराना हो गया था एक दफ़ा ऐसा हुआ हम सब मोहल्ले के लड़के जो थे हम लोग मिलकर वहाँ पर बैठे हुए थे क्योंकि कब्रिस्तान से थोड़ा सा दरम्यान में एक रास्ता था इस तरफ सारे दरख्त थे और दूसरी तरफ कब्रिस्तान सामने नज़र आता था हम लोग वहाँ पर बैठे हुए तो हमें ऐसा लगा जिस तरह से हमें कोई आवाज़ें दे रहा है हमारा नाम ले लेकर हमें कोई पुकार रहा है हमें आवाज़ें दे रहा है पहले मेरा नाम किसी ने लिया फिर मेरा एक मेरे साथ दोस्त था उसका नाम हनीफ था उसको कोई आवाज़ें दे रहा था हमें बड़ा अजीब लगा कि हमें आवाज़ें कौन दे रहा है और वो आवाज़ें जो थी वो कब्रिस्तान की तरफ़ से आ रही थी पीछे पलट कर देखा तो हमें कोई भी नज़र नहीं आया ये पहले दिन हम लोगों के साथ हुआ उसके बाद एक दो दिन के बाद हम लोग दोबारा तीन दोस्त थे हम लोग बाज़ार में थे तो हमने वहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें दी और हम लोगों ने यह कहा कि चलो उस दरख़ के नीचे जाकर बैठते हैं और वहाँ पर हम लोग खाएँगे जैसे हम लोग उस दरत के नीचे बैठे हुए थे बैक साइड पर कब्रिस्तान था अभी हमने खाना शुरू ही किया था हमें कब्रिस्तान में से ऐसे आवाज़ें आ रही थी कि जिस तरह से कोई औरत है और वो चिल्ला रही है बहुत ज़्यादा जो अपनी आवाज़ें निकाल निकाल कर वो चिल्ला रही है जैसे वो मदद के लिए पुकार रही है मुझे बचाओ इस तरह से वो आवाज़ें निकाल रही है हम लोगों ने जब आवाज़ें सुनी हम लोगों ने सब कुछ वहीं पर छोड़ा जैसे हम लोग भागे हम लोगों ने वहाँ पर देखा पूरे कब्रिस्तान में कुछ भी नहीं था किसी औरत का नामो और निशान भी नहीं था अब हम लोग डरने लगे हमें ये लगा कि शायद ये बहुत ज़्यादा कदीम और पुराना कब्रिस्तान है तो शायद इस वजह से यहाँ पर ऐसे मामलात हो रहे हैं हमें यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए हम लोगों ने वहाँ पर बैठना छोड़ दिया आकर देखा तो जो हम लोग खाने वाली चीज़ें वहाँ पर रख कर गए थे वो चीज़ें भी ग़ायब हो चुकी थी हम लोग सीधा अपने अपने घरों में चले गए घर जब हम लोग आए हम लोगों ने घर वालों से भी ये बात शेयर की तो अबू का ये कहना था कि वो कब्रिस्तान बहुत पुराना है वहाँ पर अब कोई जाता ही नहीं है यहाँ तक कि जो वहाँ पर लोग जिनकी तदफीन हुई हुई है उनके रिश्तेदार भी बहुत कम जाते हैं क्योंकि जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उनके साथ कुछ अजीबोगरीब वरीब होते हैं हम लोग भी डर गए इसी तरह ऐसा हुआ कि हम लोगों के नेबर में एक लड़का रहता था वो कुछ अजीब सा ही था अकेला अकेला रहना पसंद करता था स्टार्टिंग में वो अक्सर वहाँ पर हमें बैठा हुआ दिखाई देता था लेकिन जब हम लोगों ने वहाँ पर बैठना शुरू किया तो उस लड़के ने वहाँ से बैठना छोड़ दिया फिर जब उसने देखा कि हम लोग अब वहाँ पर नहीं बैठते अक्सर वो हमें वहाँ पर बैठा नज़र आता था वो हम लोगों को दिखाई देता था हम लोगों को ये लगा कि शायद ये ही हमें आवाज़ें निकाल कर डराता हो कि हम लोग यहाँ से उठ जाएँ और ये यहाँ पर बैठा रहे एक दफ़ा ऐसा हुआ शाम का टाइम था अभी मगरिब नहीं हुई थी मगरिब से पहले की बात है तो मैं अपने छत पर खड़ा था और सामने मुझे वो कब्रिस्तान साफ दिखाई दे रहा था इतना ही फासला होगा कि वो लड़का भी मुझे बिल्कुल पास दिखाई दे रहा था उसे तो मैंने कुछ नहीं कहा मैं बस खड़ा होकर उसको देख रहा था तभी मैं क्या देखता हूँ कब्रिस्तान से जैसे कुछ चलता हुआ आ रहा है उसका ब्लैक बिल्कुल ब्लैक कलर का ड्रेस था वो देखने में कोई मर्द लग रहा था बहुत भारी भरकम उसका वजूद था जैसे वो आया उसके सर पर बाल नहीं थे बहुत अजीब उसका चेहरा था मुझे खौफ सा आ रहा था उसको देख कर उसका जो कलर था चेहरे का वो इतना सफ़ेद था इतना सफ़ेद था कि मैंने ज़िंदगी में इतना सफ़ेद कलर किसी इंसान का देखा ही नहीं आइज उसकी दूर से ही रेड नज़र आ रही थी मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कौन है और यहाँ पर क्या कर है वो सीधा कब्रिस्तान से चलता हुआ आया और आकर मेरे सामने उसने उस लड़के के सर के ऊपर जैसे हाथ रखा मैं उस लड़के को देख रहा हूँ मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया मैं उसको आवाज़ें दे रहा था कि अपने पीछे देखो अपने पीछे देखो उस लड़के का नाम आतिफ़ था मैंने उसे आवाज़ें दी कि आतिफ पीछे देखो तुम्हारे पीछे कोई है लेकिन उससे मेरी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी मेरे सामने वो मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा था जैसे उसने उसके हाथ पर उसके सर पर अपना हाथ रखा उसने उसको उठा मेरे सामने दूर पटखा मैं फ़ौरन से नीचे भागा मैं बड़ी तेज़ी से घर से बाहर निकला और मैंने शोर मचा दिया कि उसको कोई मार रहा है जैसे हम लोग वहाँ पर गए तो वो जो आतिफ़ था वो बेहोश पड़ा था और उस आदमी का कहीं नामो निशान नहीं था उसे मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा जहाँ तक कि हम लोगों ने कब्रिस्तान का चप्पा चप्पा छान मारा उसकी हालत बड़ी ख़राब थी उसको फ़ौर से उठाकर उसके घर लेकर गए उसके घर वालों को मैंने सारी बात बताई उसको होश ही नहीं आ रहा था डॉक्टर को भी लेकर आए एक इमाम साहब थे उनके उनको भी बुलाया उनको भी लेकर आए तो इमाम साहब का ये कहना था कि इसके ऊपर किसी गैर गैरमरी मखलू किसी जिन ने हमला किया है इसलिए इसकी ये हालत हुई है मैंने जब हुलिया बताया सारा कुछ बताया तो उन्होंने ये कहा कि ये किसी इंसान का हुलिया नहीं हो सकता ये किसी जिन का हुलिया है क्योंकि उसका नाक भी नहीं था हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए गोरकर ने जब देखा कि इलाके के बहुत से लोग कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं वो भी आ गया वो उसी इलाके में रहता था लेकिन अब वो कब्रिस्तान के पास नहीं रहता था पहले वो कब्रिस्तान के पास रहता था तो जब गोरखन आया तो गोरखन को भी हमने सारी बात बताई उसने ख़ुद उस लड़के को भी देखा मैंने से सारी बात बताई उसने ये कहा कि पिछले कुछ अर्से से तकरीबन दो तीन साल पहले मैं इसी कब्रिस्तान के पास रहता था तभी घर भी बनना शुरू हुए थे तो मेरे साथ गरीब वाक़ात तो होना शुरू हो गए रात भर कोई दरवाज़े पर दस्तक देता था कोई दरवाज़ा खटखटाता था औरतें आवाज़ें देती थीं बाजा मर्द भी आवाज़ें देते थे तो मैं जब बाहर देखता था तो बाहर कोई नहीं होता था बिल्कुल सुनसान सन्नाटा होता था फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ उसने ये कहा कि मैंने देखा कि एक तदफीन हुई थी किसी की वो कुछ अरसा पहले ही हुई थी तो जब मैंने उसको जाकर मैंने रात का टाइम देखा मुझे वहाँ से अजीबों गरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी तो मैंने वहाँ पर एक काले रंग की परछाई को वहाँ पर चलते फिरते देखा था वो कोई अजीब ही मखलूक थी और वो हवा में गायब हो गई इससे मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं रात के वक्त बाहर निकल कर पैरा नहीं देता था फिर उसने कहा कि ये घर छोड़ने की बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि एक रात की बात है सख्त सर्दी का मौसम था और मैं अपने घर सो रहा था मेरे बीवी बच्चे सब थे ज़ोर से किसी ने दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया मैंने पूछा तो बाहर से एक बहुत भारी आवाज़ है किसी मर्द की आवाज़ थी जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो वो आदमी था वो सर छुका कर खड़ा था बहुत लंबा उसका कद था काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और सर के ऊपर उसने कुछ अजीब सा ही रखा हुआ था जैसे गर्मी के मौसम में अक्सर लोग अपने सर के ऊपर कोई कपड़ा सर रखते हैं धूप से बचने के लिए इतनी रात को तकरीबन दो ढाई बजे का टाइम था तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है तो उसने ये कहा कि यहाँ पर कब्रिस्तान में एक कब्र चाहिए मैंने ये कहा कि ये पुराना कब्रिस्तान है यहाँ पर अब जगह नहीं है नया कब्रिस्तान बन गया है उसका गोरकन दूसरा है मैं अब सिर्फ इस जगह की हिफाजत करता हूँ आप उधर चले जाएँ उसने कहा उसने फिर अपनी बात वैसे रिपीट की तो मैंने उसे फिर दोबारा से वही जवाब दिया कि यहाँ पर अब कब्रें नहीं बन सकती यहाँ पर जगह नहीं यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं है तो यहाँ पर कब्र नहीं बन सकती आप नए कब्रिस्तान में जाएँ अभी मैं उसको ये कह ही रहा था उसने तीसरी बार फिर वही बात रिपीट की मैंने तीसरी बार फिर उसको समझाने की कोशिश की कि आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही सर उसका नीचे था जब तीसरी बार मैंने इनकार किया तो उसने एकदम से वो इतनी ज़ोर से धाड़ा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर की दीवारें गिर जाएंगी उसका मुंह बहुत ज़्यादा जैसे बड़ा होकर खुल गया और उसकी आंखों में से आग निकल रही थी वो बहुत ज़्यादा ड्रामना था मेरी नज़र पड़ी तो उसके पीछे उस जैसे छः सात और भी खड़े थे मैं इतना खौफसदा हुआ मैंने अस्तक फिरुल्ला जैसे अजतक फिरुल्ला किया अल्लाह अकबर किया और लड़खड़ाते कदमों के साथ जैसे पीछे हटा मैं गिरा और मैं बेहोश हो गया जब मेरी गिरने की आवाज़ें और इतनी ड्रामनी आवाज़ें सुनी तो मेरी जो मिसेस ने उसकी आँख खुल गई वो बाहर भागी तो मैं सहन में बेहोश पड़ा था बड़ी मुश्किल के साथ जैसे कैसे करके वो मुझे अंदर लेकर आई उसने मुझे होश दिलाया पर मुझे कुछ याद नहीं मैंने उसे सारी बात बताई उसने ये कहा कि जब मैं आपको उठाने के लिए आई थी तो वहाँ मैंने दरवाजे के पास काले रंग के बहुत बड़े बड़े कुत्ते देखे अंदर झाँक रहे थे तो जैसे ही मैंने घर दर के दरवाज़ा बंद किया वो भाग गए उनकी आवाज़ें बहुत रोगनी थी फिर हम लोग इतने खौफसदा हो गए हम लोगों ने डर के मारे ये बात किसी को नहीं बताई कि वो जन्नात हमें कोई नुकसान ना पहुँचा दें यहाँ पर इस कब्रिस्तान में लोगों ने आना जाना बिल्कुल छोड़ दिया है कोई भी नहीं आता इस वजह से ये इतना पुरसरार और पुराना हो गया कि यहाँ पर जन्नात ने कब्ज़ा कर लिया है फिर वो हम लोगों के इलाके के लड़के के साथ जो कुछ हुआ वो भी मैंने देखा वहाँ पर हम लोगों ने ये इरादा किया कि हम लोग किसी बुज़ुर्ग को लेकर आते हैं वो आकर देखें क्योंकि अब आबादी वहाँ तक आ चुकी थी तो वहाँ पर रहना मुश्किल था वो जिन्नात लोगों को नुकसान भी पहुँचा सकते थे हम लोगों ने सब इलाके वालों ने मिलकर कोशिश की तो हमें एक बुज़ुर्ग का पता चला वो एक दूसरे गांव से थे उनके पास गए उनको साथ लेकर आए जैसे वो वहाँ पर आए उन्होंने पढ़ाई की पूरे कब्रिस्तान को देखा उस कब्रिस्तान का एक मखसूस हिस्सा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त हो चुके थे और वो जगह भी इस हद तक भर चुकी थी वहाँ पर झाड़ियाँ और दर इतने ज़्यादा थे कि वहाँ पर जाना मुश्किल था वहाँ पर जब वो गए तो काफ़ी देर उन्होंने वहाँ पर लगा दी इलाके के बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद थे जब वो वापस आए तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जन्नात के जिस ग्रोह का यहाँ पर जो कबीला यहाँ पर आबाद हुआ है वो बहुत सख्त जन्ात है वो गौल जन्नत की एक ऐसी किस्म है जिसको गौल कहते हैं और वो रहते ही कब्रिस्तानों में हैं वो ऐसे कब्रिस्तानों में रहते हैं जो बहुत कदीम और पुराने होते हैं जो आबाद हो जाते हैं जहाँ पर इंसान आना जाना छोड़ देते हैं वो वहाँ पर आबाद हो जाते हैं यहाँ पर उन जन्नत ने अपना कब्ज़ा कर लिया है ये जो जन्ात हैं ये बहुत ज़्यादा सख्त एक जन्ात की किस्म होती है और ये इंसानों पर भी अगर काबिज़ हो जाए तो ये इंसानों के भी अज़ा खा जाते हैं और ये ऐसे जन्ात हैं जो रात के वक्त अपना आप ज़ाहिर करते हैं दिन के वक्त बहुत कम बहुत कम ये अपना आप ऐसे इंसान पर जाहिर करते हैं कि जिस जगह पर ये मौजूद हो और वहाँ पर वो अकेला इंसान आ जाए वरना रात के वक्त ये बाहर निकलते हैं ये इंसानों के रूप में भी आ सकते हैं और ये जानवरों का रूप भी फ़ौरन इख्तियार कर लेते हैं और ये इंसानी हड्डियाँ और गोश्त को खाते हैं कब्रिस्तानों में का रुख ये इसलिए करते हैं कि वहाँ से ये पुरानी कब्रों से हड्डियाँ निकाल निकाल कर खाते हैं फिर ग ने भी अपना वाक्य बताया जो उसने हमें बताया तो उनका ये कहना था कि वो वही जिन्नात थे अगर तुम उनके साथ चले जाते तो वो जिन्नात तुम्हें उसी टाइम मार देते और तुम्हारा पता भी ना चलता किसी को और वो तुम्हें खा जाते सब बहुत ज़्यादा डर गए सबने उन बुज़ुर्गों से ये कहा कि हमें इसका कोई हल बताएं तो उनका ये कहना था कि इसका सिर्फ़ एक ही हल है कि इस कब्रिस्तान को आप बात करें यहाँ पर जिनके लवाहकिन की तदफीन हुई हुई है वो यहाँ पर आए, उनके रिश्तेदार आएँ यहाँ पर उनके ऊपर कुरान पाक यहाँ पर पड़ें इस जगह की सफ़ाई करें क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अरसे से कोई सफ़ाई का काम भी नहीं हुआ यहाँ पर कब्रें झाड़ियों और उन दरख्तों में छुप गई हैं तो ये ऐसी जगह ऐसी जगह जब हो जाती हैं जिनको बिल्कुल वैरान कर दिया जाता है गैरआबाद कर दिया जाता है तो वहाँ पर इन जन्नात का कबीला आबाद हो जाता है यहाँ पर गौल जन्नात का पूरा एक कबीला आबाद है अगर आप लोग इस जगह को छोड़ देंगे तो वो आपके घरों तक भी पहुंच जाएंगे क्योंकि जब उनको यहाँ पर इंसान दिखाई देंगे उनकी खुशबू महसूस वो करेंगे तो वो आदम हौल जन्नात आपको जानी नुकसान दे देंगे सब पहले तो बहुत ज़्यादा डरे लेकिन फिर पूरे इलाके ने यह तहैया किया कि हम इस कब्रिस्तान की भी हिफाजत करेंगे फिर उस कब्रिस्तान की बाकायदा हिफाजत की गई वहाँ पर सफाई की गई वहाँ पर वो जितने भी बहुत एक्स्ट्रा वहाँ पर जो झाड़ियाँ और दरख्त थे उनको काटा गया कब्रों की सफ़ाई सुथराई की गई फिर जैसे ही जो इलाके के लोग थे जिनके वर्षा वहाँ पर थे उनकी वो कब्रों पर जाया करते थे हर जुमे के जुमे लोगों ने वहाँ पर आना जाना शुरू कर दिया शुरू शुरू में वहाँ पर कुछ मामला लोगों के साथ ऐसे हुए थे कि वो कुछ लोग डर गए थे कुछ की तबीयत ख़राब हो गई थी लेकिन वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने एक नसीहत की थी कि कोई भी मग़रब के बाद या रात के वक्त इस कब्रस्तान में नहीं जाएगा क्योंकि ये जो जन्ात हैं ये रात के वक्त वहाँ पर आज़ाद होते हैं मग़रब की अज़ान के फ़ौन बाद ये जन््न यहाँ पर आज़ाद घूम रहे होते हैं वो किसी रूप में भी अपना आप अप जाहिर कर सकते हैं और ये जन्ात की ऐसी किस्म है जो इंसानों के रूप भी इख्तियार करती है खूबसूरत से खूबसूरत इंसानों के रूप इख्तियार करके इंसान को अपनी तरफ मुतव करते हैं उनको भटका देते हैं और उनके जहन पर इस हद तक कब्ज़ा कर लेते हैं कि इंसान की समझ और अक़ल वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती और फिर वो इंसान को नुकसान पहुँचाते हैं फिर इन सारी बातों का बाकायदा मस्जिद में ऐलान किया गया मौलवी साहब जो थे वो नमाज़ के बाद सब इलाक़े के लोगों को ये बात बताते भी थे समझाते भी थे फिर अल्लाह का बड़ा करम हुआ उस कब्रिस्तान को भी आबाद किया गया वहाँ पर भी सफाई वग़ैरह का ख़ास ख़्याल रखा गया क्योंकि वहाँ पर लोगों ने अजीब व गरीब काम किए हुए थे बकरों के सर फेंकने से लेकर अजीबो गरीब वहाँ पर काम थे कैसी कैसी चीज़ें वहाँ से मिली पूरे पूरे लोगों के लिबास वहाँ से मिले वो क्या सोच कर वहाँ पर फेंकते थे क्या करते थे कुछ पता नहीं और ऐसी जगहों पर ही लोग जादू टूने भी करते हैं ऐसी जगहों को जब ऐसे कब्रिस्तानों को जब लोग गैर आबाद कर देते हैं तो फिर वहाँ पर जादूगर करते हैं फिर वहाँ पर वो जन्ात को कैद करते हैं या जन्ात को भेजते हैं या वहाँ पर चिल्ले करते हैं ये सारे काम फिर ऐसी जगहों पर जन्म लेते हैं जिनका खमियाजा शहर ख़ामोशा में जो सो रहे होते हैं अबदी नींद उनको भी तकलीफ़ होती है और वहाँ पर जाने वाले ज़िंदा लोगों को भी तकलीफ़ होती है तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए अब कब्रिस्तान वहाँ पर आज भी मौजूद है लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी वैसी अब बात नहीं है अल्लाह का बड़ा कर्म है शुरू शुरू से डर लगता था खौफ आता था वो जहन में बातें बैठी हुई थी लेकिन जब लोगों ने वहाँ पर अल्लाह के हुक्म से उस जगह को भी ठीक किया अल्लाह का नाम लिया अल्लाह का पाक नाम लिया वहाँ पर उसके प्यारे महबूब का नाम जब लिया गया दरुदा सलाम वहाँ पर लोगों ने पढ़ा जाकर कुरान पाक पढ़े तो वो जो जन्त थे वो वहाँ से चले गए तो ये हम लोगों के इलाके की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की बहुत शुक्रिया उमहैर आपका जिससे ये थी आज की ये खौफनाक कहानी अपना फीडबैक मुझे ज़रूर थी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ई मेल आई डी नौशीन फिफ्टी सेवन एट जी मेल डॉट कॉम पर इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल पर आज मैं एक स्टोरी ऑन एयर करूँगी उसको आपने ज़रूर विज़िट करना है क्योंकि वो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा हॉरर है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी नुशीन डेली रूटीन पर भी मैंने एक व्लॉग पोस्ट की है उसको भी जाकर विजिट करें कम्युनिटी टैब में आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अपने ढेरों दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे ब्लेस्ड अल्लाह के